जीत गई, मैं जीत गई। माँ, माँ, माँ मैं फिर से जीत गई। अरे ये खून कैसा? माँ का आटा चुभ गया था। तो देख के चलना चाहिए ना? देखकर ही चल रही थी। अच्छा बैठो। माँ मैं बस देखकर ही चल रही थी, बस मेरे पैरों में जूते नहीं थे ना, इसलिए कांटा चुभ गया। परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। माँ मेरे स्कूल में सभी बच्चों के पास जूते, स्कूल ड्रेस और बस्ता भी है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बापू से बात करूंगी, मैं दवाई लेकर आती हूँ। अरे टीचर जी नमस्ते। नमस्ते मोहन, कैसे हो? बढ़िया। टीचर जी वो पूनम बार बार स्कूल ड्रेस, बस्ते, जूते की मांग करती रहती है, अब आप ही बताइए कि पढ़ाई जरूरी है कि ये सब सामान? पढ़ाई भी और पढ़ाई के साथ साथ ये सब सामान भी, इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और बच्चों का पढ़ने में मन भी लगता है। और फिर सरकार सीधा DBT के माध्यम से खाते में 1200 रुपए भी तो दे रही है ना? हाँ देती तो है, पर टीचर जी खर्चे भी तो हैं। अब देखिए ना, जैसे पैसा आता है खेती किसानी के सामान के साथ, ये घर के सामान में ही सब खर्च हो जाता है। मोहन ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, बच्चों के लिए आए सरकारी पैसों को बच्चों पे खर्च करने के बजाय घर का सामान खरीद रहे हो, ये गलत बात है। मोहन ऐसा करो, क्या तुम कल स्कूल आ सकते हो? हाँ बिल्कुल आ जाऊंगा, पर कोई खास बात? नहीं कोई खास बात नहीं, पर तुम कल स्कूल आ जाना। जी नमस्ते। नमस्ते। सभी बच्चे रेस के लिए तैयार? यस मैम। तो फिर रेस शुरू होती है। रेडी 1 2 3। तो बहुत तेज दौड़ती थी, फिर हार कैसे गई? मैं बताती हूँ, क्योंकि ये बाकी बच्चों को देखकर घबरा गई थी। सभी बच्चे स्कूल ड्रेस में थे और उनके पास जूते भी हैं, जबकि ये सब पूनम के पास नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, जब वो स्कूल ड्रेस में आते हैं तो एक समान होते हैं और उनमें एकता का भाव भी पनपता है। अब समझ में आया हमको। यही तो मैं समझाना चाहती थी, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का भी यही प्रयास है। हम भी तो यही चाहते हैं। तो फिर सहयोग क्यों नहीं करते? क्यों अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि उसके लिए सरकार सीधे अभिभावकों के खाते में पैसे भेज रही है, वो भी पूरे 1200 रुपए। टीचर जी अब हम सब समझ गए, आज ही हम पूनम के लिए स्कूल ड्रेस, जूते, बस्ता सब लेकर आते हैं। ये हुई ना समझदारी वाली बात। जी अब हम चलते हैं। नमस्ते। से मिले पैसों का करें सही इस्तेमाल, बच्चों में भरें आत्मविश्वास, बनाएं जीवन खुशहाल।